आज पढ़ते हैं जी विटामिन ए को और फिर केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए को देखेंगे और इसके बाद हम फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ विटामिन ए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये ज़्यादातर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एनिमल फूड से, और जो प्लांट से हम लेते हैं उसको हम प्रो विटामिन्स कहते हैं, या जो प्रो विटामिन्स की टाइप आ गए बीटा कैरोटीन आ जाती है। ठीक है, अब आगे जो विटामिन ए है इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए, इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक रेटिनाइड्स और दूसरा बीटा कैरोटीन जो नीचे आएगा। रेटिनाइड्स क्या चीज़ है? रेटिनाइड्स आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए। रेटिनाइड्स तीन कैटेगरीज में आगे डिवाइड होते हैं, एक रेटिनोल, दूसरा रेटिनल, तीसरा रेटिनोइक एसिड। पहले देखते हैं जी रेटिनोल को। रेटिनोल क्या चीज़ है? रेटिनोल की आपने तीन से चार बातें याद रखनी है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये एक रेटिनोल की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक ये बीटा आयोनोन रिंग है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये जो रिंग है इसको कहते हैं बीटा आयोनोन रिंग। इसके बाद इसके अंदर दो आइसोप्रिनाइड यूनिट्स होते हैं, एक आइसोप्रिनाइड यूनिट ये और एक ये। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अंदर फोर डबल बॉन्ड्स है, एक दो तीन और चार, फोर डबल बॉन्ड। अच्छा, ये है प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? इस रेटिनोल से ओएल से आप माइंड में क्लिक कर लें कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, CH2OH। अच्छा, बाकी जब हम डिस्कस करेंगे रेटिनल को, रेटिनोइक एसिड को, उन सब के अंदर ये सारी चीज सेम होगी, सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। ठीक है, रेटिनल में आगे हम देखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। तो रेटिनोल के हवाले से आपने क्या याद रखना है? ये तीन से चार पॉइंट्स याद रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। और हाँ, याद रखिएगा ये जो रेटिनोल है ये एनिमल टिश्यूज में इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ईस्टर प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, जो रेटिनल है इस AL से आपने माइंड में क्लिक कर लेना है कि इसके अंदर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है, तब हमने इसको रेटिनल कहा है। रेटिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था। अच्छा, अब इसको हम कैसे लेते हैं रेटिनल को? वी ऑब्टेन रेटिनल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनोल। ठीक है, और ये दोनों रेटिनोल और रेटिनल आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। जब इस रेटिनोल की ऑक्सीडेशन होती है तो ये रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यही रेटिनल की रिडक्शन होती है तो ये रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद आखिरी देखते हैं रेटिनोइक एसिड। मेन चीज इसके अंदर क्या क्लिक करनी है आपने कि इसके अंदर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, वो जो आखिर में फंक्शनल ग्रुप का मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि वो चीज़ चेंज होगी तो हमारे पास क्लास भी चेंज होगी। जब उसके आखिर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम रेटिनोइक एसिड कहेंगे। अब इस रेटिनोइक को एसिड को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? दिस रेटिनोइक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात अब याद रखने की है कि ये दोबारा इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते इनटू रेटिनल, बनता रेटिनल से है लेकिन दोबारा रेटिनल में कन्वर्ट नहीं होता जैसे ऊपर केस में हो रहा था। रेटिनोल ऑक्सीडाइज होकर रेटिनल दे रहा था, रेटिनल रिड्यूस होकर हमें रेटिनोल दे रहा था, लेकिन यहाँ एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ए में दो चीज़ें आपने याद रखी है कि रेटिनाइड्स, दूसरा बीटा कैरोटीन। रेटिनाइड्स को हमने देख लिया, अब देखते हैं जी बीटा कैरोटीन क्या चीज़ है। बीटा कैरोटीन जो प्रो विटामिन ए है किसे कहते हैं? जिसको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही बीटा कैरोटीन जिसको हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब ये हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये टूट जाता है इनटू टू कंपाउंड्स ऑफ रेटिनल, ये बात लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेटिनल, ये दूसरा रेटिनल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड किसके साथ अटैच है?
तो जब इंटेस्टाइन में ये टूटता है इनटू टू कंपाउंड्स ऑफ रेटिनल, और फिर जो वही रेटिनल है पीछे भी हमने कहा था ऑक्सीडाइज होकर रेटिनोल बना देता है, फिर यही रेटिनोल आगे जाके एब्जॉर्प्शन में लिवर में वगैरह में मदद देता है, आगे जाके हम इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम मेन चीज प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बीटा कैरोटीन ये चीज है। अब देखते हैं जी विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन देखते हैं, इसकी ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं और मेटाबॉलिज्म देखते हैं। हमारी डाइट में बीटा कैरोटीन मौजूद है जो प्लांट से है, और दूसरी रेटिनाइड्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर्स। मैंने पीछे बताया था कि जो रेटिनोल है वो एनिमल टिश्यूज में इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल ईस्टर्स प्रेजेंट होता है। हमारी डाइट एक इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है, दूसरा रेटिनाइल ईस्टर्स मौजूद है। अच्छा, अब ये रेटिनाइल ईस्टर्स जो है ये विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कन्वर्ट हो जाएंगे रेटिनोल में, और क्या चीज रिलीज कर देंगे, फ्री फैटी एसिड्स रिलीज कर देंगे। पीछे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ना कि उसके अंदर लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होती है, तो रेटिनोल अलग हो जाएगा इस रेटिनाइल ईस्टर से और फ्री फैटी एसिड अलग हो जाएगा। अच्छा, अब बीटा कैरोटीन पे आता है। बीटा कैरोटीन जो है वो भी हाइड्रोलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम बीटा कैरोटीन 1515 डाइऑक्सीजिनेज, ये आपने याद रखना। बीटा कैरोटीन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज हुआ इनटू रेटिनल, ये रेटिनल दोबारा रिड्यूस होगा इनटू रेटिनोल। ठीक है, अब ये रेटिनोल दोबारा वही जो फ्री फैटी एसिड रिलीज हुए थे उसके साथ मिलकर रेटिनाइल ईस्टर्स बना देते हैं। देखिएगा, ये बीटा कैरोटीन रेटिनाइल ईस्टर्स बना देते हैं और ये रेटिनाइल ईस्टर रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब जी यहाँ से आगे देखिए जी, ये रेटिनाइल ईस्टर्स कैसे आगे जाके एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, यही रेटिनोल रेटिनाइल ईस्टर्स में कन्वर्ट हुआ। अब इन्हीं रेटिनाइल ईस्टर्स को यहाँ पर एक कैरियर है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है चाइलोमाइक्रोन। इसके साथ रेटिनाइल ईस्टर अटैच हुआ, इस चाइलोमाइक्रोन ने इस रेटिनाइल ईस्टर्स को कहाँ ले गया जी, हमारे लिवर के अंदर। ये सारा हमारे पास लिवर है। ठीक है, अब लिवर के पास जैसे ही इसने ला के छोड़ दिया तो वो किस फॉर्म में था, ऑल ट्रांस रेटिनोल की फॉर्म में हमारे पास। ठीक है, अब अगर ज्यादा है बॉडी को नहीं चाहिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर किस में हो जाएगा, रेटिनाइल पाल्माटेट। ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, जब बॉडी को विटामिन ए चाहिए हुआ तो क्या होता है कि यही ऑल ट्रांस रेटिनोल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये ऑल ट्रांस रेटिनोल का क्या मतलब है, देखिए जी जैसे स्ट्रक्चर में मैंने डिस्कस किया था, एक हमारे पास लॉन्ग चेन थी और एक बीटा आयोनोन की रिंग थी। अब यही जो चेन है ये अगर स्ट्रेट होगी इसको हम कहेंगे ऑल ट्रांस रेटिनोल, ये थोड़ी सी बो होगी या बेंड होगी तो उसको हम कहेंगे सिस ट्रांस ऑल सिस रेटिनोल। ठीक है, तो ये यहाँ ऑल ट्रांस रेटिनोल, इसकी वो जो फैटी एसिड की चेन है वो स्ट्रेट है बिल्कुल। अच्छा, जब चाहिए होगा हमारी बॉडी को क्या, विटामिन ए, तो ही ऑल ट्रांस रेटिनोल यहाँ से रेटिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यही रेटिनोल बहुत इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा, रेटिनाइल रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, अब इसने किसी सेल पे एक्ट करना है, विटामिन ए है ना हमारे सेल को चाहिए। सपोज ये मैं किसी बोन का मैं सेल ले लेता हूँ, तो ये बाहर वॉल है, जैसे ही ये रेटिनाइल बाइंडिंग जो प्रोटीन है ये इसकी वॉल के साथ अटैच होगा, यहाँ रिसेप्टर्स हैं जो इस रेटिनोल को ले लेंगे, और जो रेटिनाइल बाइंडिंग प्रोटीन है ये दोबारा वापस आ जाएगा नीचे दूसरे रेटिनोल को ऊपर लेके जाने के लिए। अब ये सेल के अंदर रेटिनोल आ गया, ठीक है, रेटिनोल फिर उसी ऑक्सीडेशन से रेटिनल में कन्वर्ट हुआ, ये रेटिनल फिर ऑक्सीडेशन से रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करें, अब क्या होगा,
यही रेटिनोइक एसिड जिसको मैंने स्टार से बनाया हुआ, ये अंदर हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मौजूद है, इसके साथ मिलेगा, न्यूक्लियस के साथ मिलेगा, जीन कोडिंग होगी, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनेगा जो आगे जाके स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे पास बनाएगा। जब स्पेसिफिक प्रोटीन बना दी तो यही हमारा टारगेट था। हमने क्या पढ़ा, एब्जॉर्प्शन हमने कर ली यहाँ लिवर तक, लिवर के बाद इसकी है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मोबिलाइजेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है, जिंक, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन। तो ये हमारा विटामिन ए था। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।